Let's start with the seventh one. It says Hasan buys two kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him ₹50 per meter. So first of the thing I can write from this question is cost of shirt material is how much? It is ₹50 per meter. ठीक है, ₹50 आ गया. अब यहाँ पे next information दिया हुआ है trouser material that cost him ₹90. Cost of trouser material is ₹90 per meter. दोनों चीजें हमें mention कर दी गई हैं कि shirt material 50 का और trouser material 90 का. Now they have mentioned is कि every 3 meters of the shirt material he buys 2 meters of the trouser material. दो चीजों का relation दे दिया. एक तो दिया shirt material purchased, कितना है shirt material का. अगर 3 खरीदेगा shirt के लिए तो उसके सामने 2 मीटर क्या खरीदेगा वो trouser का material. Trouser material purchased and it is 2. ठीक है. He sells the materials at 12% and 10% profit, 10% profit respectively. 12% profit किस में हो रहा है उसको? पहले वाली चीज में. पहले वाली चीज कौन सी बात हो रही है? शर्ट का मटेरियल. 10% किस में हो रहा है हमारा? ट्राउजर में. And then his total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? हमें बताना है कि trouser material उसने कितना खरीदा. तो shirt material कितना हो जाएगा? Let shirt material be 3x meter and trouser material be 2x meter. ठीक है. अब shirt material की अगर हम बात करें तो cost price निकालते हैं सबसे पहले हम. So cost price for shirt material कितना हो जाएगा? It would be 50 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3x and 50 into 3x is 150x. ये रुपीस में आ गया. ठीक है. अब कॉस्ट प्राइस हम किसके निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल. ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस? इट वुड बी 90 into 2x. 90 into 2x कितना हो गया? 180x. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि हसन ने सेल किया मटेरियल 12% प्रॉफिट पे. कौन सा वाला? शर्ट वाला. एंड 10% किस पे किया? ट्राउजर पे प्रॉफिट. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि उसने प्रॉफिट कितना लिया. ठीक है, तभी हमें पता चलेगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस आ चुकी है दोनों चीजों की. अब हम क्या करेंगे? द नेक्स्ट स्टेप इज कि प्रॉफिट निकालोगे. अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट आपका निकलेगा प्रॉफिट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा? 12% है. ये किसका प्रॉफिट निकल रहा है? शर्ट का. ठीक है. 12% का मतलब कितना हो गया? 12/100. और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 150x. 0 से 0 कट गया. 12 और 15 बचा है हमारे पास ऊपर. और फाइनली क्या आ जाएगा? 18x. क्योंकि ना 12 और 15 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 180 बनेगा. एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट क्या आपका? प्रॉफिट. प्रॉफिट किसके लिए? ये हमारा ट्राउजर के लिए. प्रॉफिट परसेंट इनटू सीपी. प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा यहाँ पे? 10%. 10/100 इनटू सीपी. सीपी कितना है हमारा? 180x. एक 0 से मतलब दोनों 0 से 0 कट कर फाइनली हमारा सीपी क्या आ गया इस केस के लिए भी? 18x. अब हमने सेलिंग प्राइस निकालना है. तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा हमारा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा इस केस में? 150x प्लस 18x. सो 150x प्लस 18x कितना हो गया इस केस में हमारा? 168x. ठीक है. दिस इज फॉर शर्ट. 150x में हमने क्या ऐड कर दिया? उसका प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना बन रहा था? 18x. अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा यहाँ पे? ये तो किसके लिए निकाला है हमने? शर्ट के लिए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्राउजर का भी प्रॉफिट निकालो. ट्राउजर का प्रॉफिट आएगा 180 प्लस 18x. पहले इतना नोट करो, फिर उसके बाद आई विल टेल यू द अदर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अदर पार्ट में क्या होगा यार, आपका ट्राउज़र का प्रॉफिट निकलेगा। अभी तो पहले ट्राउज़र का प्रॉफिट कितना होगा हमारा, ट्राउज़र प्रॉफिट वुड बी सीपी प्लस, सॉरी एसपी निकालना ना हमें, एसपी कितना होगा हमारा इस केस में, प्रॉफिट तो निकल चुका है। SP will be CP plus profit। अब SP के वैल्यू हमें निकालनी है, CP आपको पता है ट्राउजर का 180x निकाला था, अभी हमने प्रॉफिट का 18x, तो 180 प्लस 18 कितना हो गया 198x। SP की वैल्यू आ गई आपकी कितने, ट्राउजर की 198x। सेलिंग प्राइस ऑफ शॉर्ट मटेरियल आ गया, ट्राउजर मटेरियल आ गया। उसके बाद टोटल सेल उन्होंने बोली है कितने की हुई है, 36,600 की। सो सेलिंग प्राइस फॉर ट्राउजर इज 198 एंड सेलिंग प्राइस फॉर शर्ट इज 168x। 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड द लेफ्ट हैंड साइड, कितना हो जाएगा ऐड होके 366x, और राइट साइड पे क्या हो गया 36,600। x की जगह क्या आएगा आपका 366 से कैंसिल, फाइनली कितना आ गया x की वैल्यू 100। सो व्हाट क्वांटिटी ऑफ द ट्राउजर ही हैड बॉट इज, ट्राउजर का कितना था 2x ना, तो 2x के लिए x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 100, सो इट इज 200 मीटर। ठीक है, सो ट्राउज़र का लेंथ हो गया 200 मीटर और शर्ट का मटेरियल कितना हो गया आपका, इट वुड बी 3 × 100 विच इज़ 300 मीटर। लेकिन वो हमें निकालना नहीं है, अगर बाय चांस दे आस्क यू इन एग्जामिनेशन, सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यार थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों था इसमें, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। सबसे पहले तो हमने यार कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस के बाद हमने प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट के बाद हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, देन आफ्टर इट टोटल सेल को आपने किसके इक्वल इक्वेट करना है, दोनों के सेलिंग प्राइस के इक्वल। सो यस दैट्स हाउ यू हैव टू यूज दीज ऑल स्टेप्स, देन ओनली यू कैन गेट द एक्स वैल्यू आफ्टर इट। ठीक है, yeah, any doubt in this one, then I will be moving to next one.